अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाइए। अभी हमारे यहाँ जो केस आ रहे हैं, अभी हमने जो उनका विश्लेषण किया है, कई जगहों पे केस जो हैं हमारे यहाँ, अभी एक दिन 34 केस निकले थे, वो अभी तक का हमारा इस वीव में सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल 28 केस निकले थे और अभी वर्तमान में कम एक्टिव केस जो पॉजिटिव आए हैं वो कम है, पर क्योंकि हम टेस्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा 500 के टारगेट के विरुद्ध हम लोग 700 से 800 टेस्ट हर दिन कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो इतनी ज़्यादा बाकी जिलों के मुकाबले अभी नहीं है, परंतु फिर भी जो देखने में आ रहा है कि जो संक्रमण फैल रहा है उसमें जो काफ़ी वृद्ध लोग और अच्छे परिवारों से भी जो लोग हैं जो समृद्ध हैं उनके यहाँ भी एक या दो दिन में ही वो हॉस्पिटल में आके और काफ़ी सीवियर सिम्टम लेके आके और फिर उनकी मृत्यु, जैसे कल एक 85 वर्ष के बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो जो मृत्यु या संक्रमण फैल रहा है तो वो परिवारों में या उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम बुखार इत्यादि आता है तो सबसे पहले उनको आइसोलेट करें और आइसोलेट करने के साथ साथ सीवियर सिम्टम होने के पहले ही जिला अस्पताल में आके उनको दिखवाएं। तो ये समझाइश लगातार शुरू से ही दी जा रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों के क्योंकि कोरोना को लेके भय कम हुआ है या कोरोना को लेके क्योंकि अब सब कुछ मार्केट खुला हुआ है और लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियां भी जारी रखनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिले होता है जानकारी आने में, जिसके कारण सर नौशंकी।